फंगीसाइड के रूप में राख का उपयोग कैसे करें। आज हम बताएंगे आपको कि फंगीसाइड के रूप में राख का उपयोग कैसे करें। आप इसे पौधे की जड़ों के आसपास आधा चम्मच डाल सकते हो, जिससे क्या होगा कि ऊपर जो फंगस जमा होगी वह फंगस खत्म हो जाएगी। यह बहुत ही पोषक तत्वों से युक्त होती है, जिसमें कार्बन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, सोडियम, जो आपको ऊपर कोष्ठक में दिखाई दे रहे हैं, वह सभी तत्व मौजूद होते हैं। यह पौधों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। और दूसरा उपयोग कर सकते हैं इसका, आप इसको पानी में मिला दें और उस पानी को पौधों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा डाल दें, जिससे इस पौधों के अंदर जो भी फंगस या पेस्टिसाइड होंगे वह नष्ट हो जाएंगे। या आपको पौधों की पत्तियों पर जो पेस्टिसाइड दिखाई दे रहे हैं या पेस्ट दिखाई दे रहे हैं या किसी भी प्रकार के कीड़े दिखाई दे रहे हैं, उन कीड़ों पर आप इसका डायरेक्ट छिड़काव कर दें, जिससे वह पेस्टिसाइड ख़त्म हो जाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ व हरा भरा हो।